हाँ फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग कैसे लॉगिन करें और बैलेंस चेक करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग। इसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी डाल देना है। यूजर आईडी डालने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए लॉगिन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड यहाँ पे आपको लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, जो भी कैप्चा कोड दिया गया है। इसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए आपको लिखे रहेगा जैसे गुड आफ्टर, गुड मॉर्निंग ऐसे लिखा रहता है दोपहर में, तो यहाँ पे गुड आफ्टर लिखा रहा है। इसके बाद आपका नाम लिखा रहेगा, तो आपको बैलेंस चेक करना है कि आपका कितना बैलेंस है। तो आपको यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे मोर डिटेल्स, यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अकाउंट स्टेटमेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए हमारा अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पे अभी देखिए हमारा प्रीव्यू हो रहा है। बैलेंस पे जैसे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए आपका जितना बैलेंस रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी नाम है, निकनेम यहाँ पे लिखा रहेगा। इसके बाद आपका ब्रांच कहाँ है, आपका खाता कहाँ खुला है, ब्रांच यहाँ पे आपके ब्रांच का नाम लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका टोटल बैलेंस कितना है और लेबर बैलेंस कितना है। इसके बाद आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू मिनी स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, व्यू मिनी स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका जिस तारीख को जितना रुपये क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, यहाँ पे सब डिटेल रहेगा। यहाँ पे जिसका UPI रहेगा तो UPI लिखे रहेगा। यहाँ पे आपका जितना अमाउंट जिसने क्रेडिट और डेबिट किया है, तो यहाँ देखिए क्रेडिट का ऐसा लिखा रहेगा, डेबिट का माइनस लगा के लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल बैलेंस लिखा रहेगा। तो ऐसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग लॉगिन करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।